दोस्तों किसी भी देश की खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती है। चाहे हम बात करें विदेशी गतिविधियों पर नजर रखने की या फिर आतंकी साजिश का पता लगाने की, हर काम में यह एजेंसियां सक्रिय रहती हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों की जानकारी को गुप्त रखने का जिम्मा भी इन्हीं के सर पर है। और दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के बारे में, जिसे कि हम अपनी आम भाषा में भारत की खुफिया एजेंसी भी कहते हैं। और रॉ हमेशा ही अपनी रिपोर्ट सीधा भारत के प्रधानमंत्री को भेजती है ताकि अधिकारियों के बीच भी कोई खुफिया बातें लीक ना हो सके। और रॉ ने शुरू से ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बहुत सारे ऐसे खुफिया मिशन को अंजाम दिया है जिसके लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और कुछ इसी तरह के खुफिया मिशन के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार कब और क्यों रॉ का गठन किया गया। तो दोस्तों रॉ के गठन से पहले जासूसी का जिम्मा सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का हुआ करता था। 1947 में आजादी के बाद संजीव पिल्लई इंटेलिजेंस ब्यूरो के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और भारत के लिए काम करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत को चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और इस हार में यह भी बहुत बड़ा कारण था कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकी। और तभी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आईबी के असफल काम को देखते हुए एक ऐसी एजेंसी बनाने का सुझाव दिया जो कि केवल और केवल जासूसी का काम करे। हालांकि यह अगले कुछ सालों तक केवल सुझाव के तौर पर ही रह गया। और 1965 में एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी भारत के उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें और भी सटीक जासूसी के जानकारियों की जरूरत है। और यहीं से जासूसी के लिए एक और अलग एजेंसी बनाने के प्रयास तेज होने लगे, जिसके बाद 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक अलग खुफिया एजेंसी की स्थापना हुई और इसी का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ रखा गया। और रॉ का पहला चीफ बनाया गया R&AW को। और शुरुआत के समय में इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 250 थी। और रॉ के मेंबर्स का चुनाव उस वक्त इंडियन आर्मी के जांबाज सिपाहियों में से की जाती थी। हालांकि इसके लिए पहले बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती और अगर उसमें कोई क्वालिफाई होता तभी उन्हें रॉ में शामिल किया जाता। लेकिन अब केवल डिफेंस से जुड़े हुए लोग ही नहीं बल्कि इसमें इंटरेस्ट रखने वाले कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी के लोगों को भी शामिल किया जाने लगा है। और इस एजेंसी में काम करने वाले लोगों की संख्या भी कई गुना बढ़ चुकी है। और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे तरीके से काम करने के लिए अब रॉ की 5 चाइल्ड एजेंसी भी है, जैसे द एविएशन रिसर्च सेंटर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज, रेडियो रिसर्च सेंटर और स्पेशल फ्रंट लाइनर फोर्स। और दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कुछ ऐसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है जिसकी जानकारी आज भी बहुत ही कम लोगों को हो पाई है। जैसे कि रॉ ने आईबी के साथ मिलकर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में 400 से भी अधिक जगहों पर छापे मारकर बहुत से आतंकवादियों को ढेर किया था। इसके अलावा 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था और कहते हैं कि 1972 में सिक्किम को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी रॉ को सौंपी गई। और इस तरह से रॉ ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनने में एक अहम भूमिका निभाई है। साथ ही रॉ को ही भारत के पहले परमाणु हथियार के परीक्षण को गुप्त रखने का काम भी दिया गया था और इस काम को भी उन्होंने बखूबी निभाया था। और इन सब के अलावा रॉ ने ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन काहूटा, ऑपरेशन कैकट्स और ऑपरेशन चाणक्य की तरह ही कई सारे मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वहीं कारगिल युद्ध के समय भी रॉ ने पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ की गई कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में इस कॉल को ही बतौर सबूत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि रॉ की एक बहुत ही बुरी बात यह भी है कि जब भी कोई जासूस दूसरे देशों में जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो अपने देश की सरकार उनसे पल्ला झाड़ लेती है और उनकी कोई भी मदद नहीं करती। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भारतीय जासूसों को अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। और कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के जासूस रविंद्र कौशिक के साथ। तो दोस्तों यह थी कहानी भारत के खुफिया एजेंसी रॉ की। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।